गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए आज बनाना शुरू करते हैं एक टेस्टी सा और बहुत ही प्यारा सा स्नैक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने ये 2 चम्मच मैदा ले ली है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। तो हमें इस तरह का घोल चाहिए, तो ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और अब लेंगे हम ये आलू, ले लिए हमने मैश कर, तो 4 आलू को हमने उबाल कर मैश कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच अरारोट डालेंगे इसमें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें सबको हम मिला लेंगे आलू में। तैयार हो गया है। तो हमने ये थोड़ा सा पनीर ले लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और बहुत थोड़ा सा अरारोट, 1/2 चम्मच हमने इसमें अरारोट डाल दिया है। तो अरारोट हमने पनीर में मिला दिया है, और नमक भी, नमक हल्का ही डालना है इसमें, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस, जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है, तो हल्का सा हम तेल लगा लेंगे हाथ पर, जिससे ये चिपके नहीं। और इस तरह से इसकी लोई बनाएंगे और उसे इस तरह से हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। और जो हमने मैदा का घोल बनाया था, इसमें इसे इस तरह से, और ये देखिए इस पर चारों तरफ से घोल लग गया है। और ये ले लिए हमने सेवई, तो इसको हम इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये इस पर चिपक गई हैं। और इसको रख लेंगे एक प्लेट में। तो गाइस, जो पनीर के हमने गोले बनाए हैं उनको तल लेंगे।
और आलू से हमने ये नेस्ट बनाकर तैयार किए हैं। तो इसको हमने पलट कर रखा है क्योंकि सीधा रखेंगे तो फिर ये सीधा हो जाएगा, और हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। तो पनीर के गोले बन गए हैं, इनको निकाल लेंगे। और अब डालेंगे हम ये तो ये हमने इस तरह का ये शेप का नेस्ट बनाकर तैयार किया है। तो इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसके साथ ही एक और डाल देंगे और थोड़ी देर से सीखने रहेंगे और उसके बाद पलटेंगे। तो इनको पलट पलट कर सेक लेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए ये तल कर तैयार हो गया, इसको निकाल लेंगे। और दूसरा भी तल गया है तो इसको भी निकाल लेते हैं। और जो बाकी के हैं उन्हें भी तल लेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, एक साइड से पहले थोड़ी देर सीखने देंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे। तो ये वाले नेस्ट भी तलकर तैयार हो गए हैं तो इनको भी निकाल देंगे। ये नाश्ता खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में तो बहुत ही प्यारा लगता है, और बच्चों के लिए बनाया जाए तो वो फटाफट इसे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो गाइस हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। तो ये बनाए हैं हमने बर्ड्स नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला। तो ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। और इस पर लगाएंगे पहले थोड़ी सी हरी चटनी। और थोड़ा सा लेंगे टमाटो सॉस। और जो हमने पनीर के बॉल्स बनाए थे उसको हम एग की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे स्नैक्स बहुत ही प्यारे लगेंगे देखने में। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये स्नैक्स बनाएंगे तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हम ये वाले स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। तो गाइस ये स्नैक्स बनकर तैयार हैं और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए
और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।